तो कुछ दिन पहले ही फनटच ओएस 15 की वीडियो डाली थी और उसमें पूछा था कि आप लोगों को ओरिजिन ओएस के बारे में जानना है क्या, क्योंकि देखो ओरिजिन ओएस है ना इंडिया के अंदर किसी फोन के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, वैसे ओरिजिन ओएस है ना चाइना में है और जो आईक्यू और वीवो के फोन है ना उनके अंदर ओरिजिन ओएस आता है और इंडिया में उन्ही फोन पर आपको फनटच ओएस मिलता है। और ऐसा हो गया है कि फनटच ओएस 15 जस्ट अभी जो आया ना तो वो ओरिजिन ओएस के जो मोस्ट ऑफ कुछ ऐसे फीचर्स थे जो फनटच ओएस 15 में दी पर ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो स्टिल मिसिंग है वो आपको पता चलेंगे। मैं यूज करने वाला हूं यहां पर Vivo X100 Ultra और ये फोन इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, ये फोन चाइना में लॉन्च हुआ था और इसके अंदर बाय डिफॉल्ट है ना ओरिजिन ओएस आता है और मैं इसको मोस्ट ऑफ मेरा प्राइमरी कैमरा फोन यूज कर रहा हूं तो मुझे मोस्ट ऑफ पता है कि ओरिजिन ओएस कितना बेटर है, कितना फनटच ओएस से डिफरेंट है, सब यहां पर आपको आज एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहला एक चीज तो यही है कि बहुत ज्यादा सुपर एनिमेशंस है, लाइक अगर आपको ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशन ओपन क्लोज करते हो जो रिस्पांस टाइम है ना एनिमेशन का वो बहुत ज्यादा बटरी स्मूथ है और वही सेम इंप्लीमेंट है ना अभी फनटच ओएस 15 में कर दिया है। तो आज मैं जिस ओरिजिन ओएस के बारे में बात करूंगा ना ये ओरिजिन ओएस 4 है और इसका है ना ओरिजिन ओएस 5 का अपडेट आने वाला है तो जिस दिन 5 आएगा तब हम लोग वो भी चेकआउट करेंगे, बट आज जो सारी बातें हैं वो ओरिजिन ओएस 4 पर बेस्ड होने वाली है और यही मोस्ट ऑफ एक्सपीरियंस है जो आपको फनटच ओएस 15 के अंदर देखने मिलने वाला है। सेटिंग में अगर आप जाते हो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर देखने मिलता है। अब जिसके अंदर आपको ये पूरा स्टाइलिंग है ना जैसे टाइल्स में पूरा बड़ा छोटा करके दिखाया है जो विजुअल इंपैक्ट काफी अच्छा निकालता है। अब इसमें सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे लॉक स्क्रीन। अभी देखो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, सबसे पहले सिस्टम स्टाइल मिलता है जहां पर आप लाइट कवर रख सकते हो और ओरिजिन कवर रख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे डायरेक्ट आपका कॉल हो गया, कैमरा हो गया, पे हो गया, जो पे वैसे तो इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है इनका, ओरिजिन प्लेयर हो गया, ऐसे कुछ क्विक टाइलिंग टाइप में ऑप्शन बना रखे हैं जो यहाँ से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। फ्रेंकली बोलूंगा मुझे बहुत वियर्ड लगता है वो, तो मैंने उसको बंद करके ही यूज करा है, जो लाइट वाला है ना वो ज्यादा बेटर है। फिर उसके बाद में अगर आपको कुछ स्टाइलिंग डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड स्टाइल्स का भी ऑप्शन है, अब जैसे आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो भाई। बाकी अगर आप इस पे ऊपर देखोगे तो एडिट का ऑप्शन है, इसको क्लिक करोगे तो आपका जो लॉक स्क्रीन है ना उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, क्लॉक की स्टाइलिंग को कहां पे रखना है, कैसा स्टाइल रखना है, कैसा कलर रखना है, वो सब आप कर सकते हो। और उसी के बाद में नीचे देखोगे तो ऐड क्विक इन्फॉर्मेशन है जहां पर आप अपना सिग्नेचर ऐड कर सकते हो, काउंटडाउन, डेट या एनिवर्सरी ऐसे कुछ ऐड कर सकते हो। एक एनिवर्सरी छोड़ के बाकी जो ऑप्शन है ना वो आपका फनटच ओएस 15 पर भी आ गया है। फिर नीचे आपका वॉलपेपर चेंज करने का ऑप्शन है, बहुत सारे वॉलपेपर्स आते हैं जो आपको रखना है, लाइक एनिमेशन वाले भी है, नॉन एनिमेशन वाले भी है, तो आप रख सकते हो। और नीचे अगर आपका ये जो कॉल बटन देखोगे तो अगर आपको ये फोन दिख रहा है तो यहाँ पर कैलकुलेटर, रिकॉर्डिंग, फ्लैश, कैमरा जो भी चेंज करना है कर सकते हो, और जहां पर कैमरा है वहां पर अगर फोन अगर बाकी जो चीजें हैं वो चेंज कर सकते हो। फिर नीचे है ना लॉक स्क्रीन पोस्टर आता है जो कि बंदी रखो ज्यादा बेटर है। बाकी यहाँ पर एक थीम्स का भी एक आइकन बना रखा है, टाइल बना रखी है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल थीम्स है जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर सकते हो, नीचे मोर थीम्स है डाउनलोड कर सकते हो। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे जाओगे तो यहाँ पर टर्न्स ऑफ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलते हैं जहां पर आप अपना पर्सनलाइज स्टिकर बना सकते हो या फिर AI भी देखने मिलता है जहां पर आप अपना AI अवतार बना के यूज कर सकते हो, बट कभी कभी ये टाइम आउट कर देता है, कभी कभी वो बनाता नहीं है मेरा। और जो इतना सारा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर है ना वो फनटच ओएस 15 के अंदर नहीं मिलता। अब 15 का तो पता नहीं, मे बी कुछ अपडेट के अंदर और कुछ चीजें इसे ये एड ऑन कर देगा ना थोड़ा सा क्लीन और अच्छा लुक देखने मिलेगा। अब जैसे मैंने बताया यहाँ पर आप अपना अवतार क्रिएट भी कर सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पर, या फिर अगर आपको जैसे मल्टीपल अलग अलग कमांड देके कुछ एक नया बैकग्राउंड भी बना सकते हो। फिर उसके बाद में एक बाजू में ही एक्सक्यूजिट करके ऑप्शन है जिसको आप टैप करोगे, नया ऑप्शन एड ऑन है जहां पर आइकन की स्टाइल थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ी सी ज्यादा रियलिस्टिक मैं कह सकता हूँ लगती है। बाकी अगर आप इसको ओपन रखना चाहते हो, मेलो रखना चाहते हो, मतलब किस तरीके से आइकन का सर्कल होगा या स्क्वायर होगा पूरा, या आइकन साइज को लेकर हो गया लार्ज हो गए, मीडियम्स हो गए, उनके नाम अगर शो करने नहीं करने, बेसिकली ये चीज फनटच ओएस 15 पे तो आ गई है, यहाँ पर पहले थी। आइकन के कुछ कलर्स में, थीम्स में अगर आपको चेंजेस करने हैं तो मिनिमल में वो ऑप्शन देखने मिलता है। बाकी देखो डायनेमिक इफेक्ट्स देखने मिलता है जहां पर अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं, जैसे आप सबसे पहले तो आपका लॉक स्क्रीन फिंगरप्रिंट एनिमेशंस हो गए, इसके अंदर थोड़े से एक्स्ट्रा देखने मिलते हैं। फेस एनिमेशंस हो गए, यहां पर भी कुछ एक्स्ट्रा देखने मिलते हैं। और वहीं अगर आपका एंबिएंट लाइट इफेक्ट्स है जहां पर म्यूजिक हो गया, इनकमिंग कॉल्स हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, वहां पर अलग तरीके से एक एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में चार्जर एनिमेशन है जो चार्जिंग पे आपको कुछ एड ऑन एक्स्ट्रा देखने मिलते हैं। USB कनेक्ट करोगे तो वहां पर उसका एनिमेशन थोड़ा सा एड ऑन करके रखा हुआ है। स्क्रीन ऑन ऑफ पे अलग अलग एनिमेशन है जो मुझे ना सबसे ज्यादा, एक तो इसमें होराइजन तो मिलता ही मिलता है, वर्टिकल वाला एनिमेशन थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगता है, तो वो ऑप्शन अपने फनटच ओएस 15 पे तो नहीं है। बाकी अभी नेक्स्ट
है होम स्क्रीन का थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर आप होल्ड करोगे या फिर अगर आप पिंच ऐसे करते हो तो ये पूरा लॉक स्क्रीन एनिमेशन आ जाता है। तो ये जो टाइलिंग वाला ऑप्शन है ना, ये इसमें तो आता है, अपना ओरिजिन ओएस में आता था, पर अगर आपका फन टच ओएस 14 हो गया उसके अंदर नहीं था, जो फन टच ओएस 15 है ना उसके अंदर एड ऑन हुआ है, जो कि यहां से वहां पर गया हुआ है। उसके बाद में अगर इसमें सिंपल है, अगर आप कोई ऐसे ऐप को सरका के किसी कॉर्नर में रख रहे हो तो रियल टाइम पे प्रीव्यू पे जो आइकन आपने जहां पे रखा है वो नीचे प्रीव्यू में भी देखने मिलता है, थोड़ा सा ये यूआई को थोड़ा सटल बनाता है। उसके बाद में नीचे ना ऐप किट है, तो यहाँ से कोई ऐप एड ऑन करनी है तो वो डायरेक्टली कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर मोड क्यूब्स आते हैं, जो ये दिखाने का प्रेजेंस है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब जो एनिमेशन स्टाइल्स या कह सकते हो जो ग्राफिक डिजाइन वाला वर्क है वो काफी ज्यादा सुपर्ब लग रहा है। अब यहाँ पर भी वही सीन है, जो आप पहले आइकन स्टाइल को जैसे कि मैंने आपको अंदर सेटिंग में जाके दिखाया था कर सकते हो, वो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। ओरिजिन ओएस पे यहाँ पर अगर आपको इसे अप्लाई करना है, थीम चेंज करनी है, तो ये जो इस पे दिखाने का जो तरीका है जैसे मैंने कहा वो बहुत ज्यादा सुपर्ब है। उसके बाद में नीचे जो वॉलपेपर्स है वो रियल टाइम पे उसको आप चेंज करना चाहते हो तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। स्लाइड करोगे तो यहाँ पर जो इफेक्ट्स है जैसे कि बेसिक कलर्स हो गए, वॉलपेपर कलर हो गए, आइकन को कितना ज्यादा राउंडेड करना है नहीं करना है, तो वो सारा ऑप्शन यहाँ पर है। जैसे कि अगर आप देखो एकदम राउंड यहाँ पर ये हो चुका है इफेक्ट डायग्राम पे। फिर यहाँ पर आपको ये विंडो स्टाइल भी देखने मिलते हैं, जहां पर मोनो हो गया, ब्लर हो गया, जैसे बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा, टाइम हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक स्काई इफेक्ट है, जो बेसिकली ना क्लाउड ऐसा एनिमेशन चलता रहेगा, पता नहीं ऐसा बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है देखने में, सही बताऊंगा, थोड़ा सा लाइव वॉलपेपर वाली वाइब निकाल लेता है किसी भी स्टैटिक वॉलपेपर पे। फिर एक देखोगे ना मोड के बाजू में इंट्रैक्शन क्यूब ऑप्शन है, अभी इसके अंदर आपको थोड़ा सा अलग डेमो देखने मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर टैप करते हो तो यहाँ पर नोटिफिकेशन सेंट्रल हो गया वो देखने मिल जाता है, यहाँ पर टैप करोगे तो इसमें कंट्रोल सेंट्रल टैब है। उसके बाद में अगर इस तरफ टैप करते हो, मतलब लेफ्ट साइड जाने का काम करेगा, यहाँ से टैप करोगे तो नेविगेशन कीज आ जाएंगी जो आप यहाँ से ही चेंजेस कर सकते हो, और इसको ना इन्होंने डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर आप इसका एरिया डिफाइन कर सकते हो कि आपको छोटा रखना है कि बड़ा रखना है, और यहाँ से टैप करोगे तो बैक ऑप्शन हो गया और बाकी सारे ऑप्शन मतलब अपने हिसाब से वो आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में होम सेटिंग्स ऑप्शन है, जिसके अंदर और भी सारी चीजें जो मोस्ट ऑफ हमको देखने मिलती ही मिलती है, तो इस पे ज्यादा बात करें जैसा कुछ है नहीं वैसे तो, बट हाँ अगर डॉक पे आओगे तो इसका जो बैकग्राउंड है उसको अगर आपको ऑफ करना है तो वो कर सकते हो, या फिर स्मार्ट स्विच ऑफ आइकन स्टाइल करना है तो जो कि ऑलरेडी ऑन था वो आप बंद भी कर सकते हो, अपने उस हिसाब से स्टाइल में ले सकता है। और एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी है कि यहाँ पर है ना कुछ चीजें समझाने के लिए जो एनिमेशन ट्यूटोरियल या फिर जो ग्राफिक विंडो आता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छे से बना के रखा हुआ है। अगर किसी को नहीं आइडिया आ रहा है कि करना क्या है, इससे होगा क्या, तो वहां से प्रीव्यू पैनल पर आपको पता चल जाता है। जैसे यहाँ पर मैं होम स्क्रीन स्टाइल पर हूँ तो यहाँ पर जो दिखा रखा है वो भी काफी ज्यादा सॉर्टेड है, यहाँ पे भी अपना वो जो स्टैंडर्ड स्टाइल या फिर ड्रॉवर स्टाइल देखना है तो वो कर सकते हो, तो प्रीव्यू पैनल बहुत अच्छा से। तो अभी नेक्स्ट सेटिंग पर आ जाते हैं, तो इनका जो आइकन स्टाइल है ना वो काफी अच्छा है, कलर आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो, ब्लू रखना है, रेड रखना है, जैसे भी आपको सही लगे। तो उसी के बाद में इन्होंने भी क्या कर रखा है, जो पहले से यहाँ पे था फन टच ओएस 15 पे बाद में गया है, तो वाईफाई आपका बाहर है, ब्लूटूथ बाहर है, मोबाइल नेटवर्क बाहर है, तो पहले ये अंदर हुआ करता था, मतलब इसमें नहीं था बट फन टच ओएस 14 में अंदर था, और इसके अंदर उनको बाहर निकाल के रख दिया ताकि इजी टू एक्सेस रहे। बाकी अगर आपका जो कंट्रोल सेंट्रल देखते हो यहाँ पर भी एकदम अच्छे से सब आइकन्स को प्लेस करके कहाँ पर किस तरीके से यूज करना है, मिनिमल मैं डिजाइन कहूंगा, काफी अच्छा है, और एडिट करने पर और भी सारे आइकन्स एड ऑन कर सकते हो आप। अभी जिसमें अगर ऑलवेज ऑन भी एक चीज बता देता हूँ, अगर आप इसमें फुल रख रहे हो तो ऑलवेज ऑन करने के लिए आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं है, ए पे क्लिक करो, यहाँ पर आपका ऑलवेज ऑन अप्लाई भी हो जाता है। अभी देखो ऐप ड्रॉवर में जाओगे तो यहाँ पर आपको ना ट्रांसपेरेंट देखने मिलता है, मतलब कहूंगा थोड़ा सा एक्चुअली ब्लर वाला थोड़ा सा इफेक्ट देखने मिलता है, जहां पर आइकन थोड़े अच्छे से रीडेबल रहते हैं, और यहीं पर जो सर्च है ये एकदम प्लेन लाइन पर है। उसके बाजू में आपको ना ओरिजिन किट्स भी देखने मिलते हैं, बेसिकली इनका विजेट्स है, और विजेट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं इसके अंदर, जैसे कि इनका प्लेयर हो गया जो अपने ज्यादा काम का आता नहीं है, एल्बम रखना है, या फिर आपके पास जो डिवाइस मैनेजमेंट मतलब कितना बैटरी वगैरह वगैरह है, और यहीं पर आपको इसमें ना ब्लू एम को पायलट मिलता है, बेसिकली इनका ना कह सकते हो कि प्रॉम्प्ट वगैरह आप देकर, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स देकर आपको कोई इमेज बनवानी है, या थोड़ा सा बेसिकली चैट जीपीटी वाला थोड़ा सा जो काम है ना वो यहाँ से आप कर पाओगे। और वैसे हाँ, वीवो का X200 सीरीज जो है ना उसका लुक सामने आ चुका है, वैसे तो इस बार थोड़ा सा है ना मतलब आपको स्क्वायरिश टाइप का देखने मिल रहा है, साइड में जो बेजल्स है मतलब थोड़े से अलग तरीके से बना दिए, जो साइड का फ्रेम थोड़ा सा अलग बना है, आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताना। और सुनने में ये भी आया कि एक है ना मिनी डिवाइस भी आ सकता है इनका, आ गए तो मजा आएगा सीरियसली, छोटा कॉम्पैक्ट तगड़ा। बाकी अगर सेटिंग में देखते हो नोटिफिकेशन स्टेटस बार, तो यहाँ पर भी आपके सामने जो
सेटिंग पे अगर जाके देखते हो तो एक तो इसका जो प्रीव्यू पैनल है, जो मैंने कहा ट्यूटोरियल पैनल आप कह सकते हो, वो बहुत अच्छे से रिडिजाइन है। ये चीजें मैंने जितना नोटिस किया ना इंडिया वाले में ना, मतलब इंडिया में बहुत कम वर्क कर रहा है ये, जितना मैंने यूज करके देखा। बट हाँ, ऐसी चीजें यहाँ पर एड ऑन करके रखी हुई इन्होंने। फिर इस पे ऑलवेज ऑन देखोगे, साइड में लॉक स्क्रीन है तो वहां पर आपने चेंजेस करा, या स्टेटस बार हो गया, या होम स्क्रीन किट्स हो गई, या फिर उसके बाद में अल्ट्रा गेम मोड हो गया। बाकी नेक्स्ट अगर साउंड एंड वाइब्रेशन पे जाते हो, साउंड एंड क्वालिटी इफेक्ट्स में जाओगे, तो यहाँ पर आपको सुपर ऑडियो मिलता है जो कि स्मार्ट पे रखा हुआ है मैंने, तो मूवी गेम के हिसाब से खुद को स्विच करते रहता है। उसके बाद अगर देखोगे तो हैप्टिक्स है, जहां पर इसकी हैप्टिक्स को आप मीडियम लो और डिसेबल कर सकते हो, और ऊपर उसका प्रीव्यू पैनल भी आप देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट सिक्योरिटी में जाते हैं, तो वहां पर जैसे कि प्लेसमेंट काफी अच्छे कर रखी है, एकदम हाईलाइट करके आइकन वगैरह ऐसे बना के रखे। वरना क्या करते हैं, नॉर्मल अपना जो फंटच है उसमें लिस्ट व्यू आता है, तो यहाँ पर जैसे पेमेंट सेफ हो गया, ब्लॉकिंग हो गई, सेफ्टी डिटेक्शन हो गया, फाइंड माय हो गया। और इस यूआई में एक वही चीज बहुत ज्यादा अच्छी है कि इसमें स्टाइल काफी अच्छे से कर रखी है, मिनिमल भी लगती है, प्रोफेशनल भी लगती है, और काफी कूल लगता है। फिर सेकंड आपका प्राइवेसी आता है इसके अंदर, तो उसमें भी लाइक आप कौन सी एप्लीकेशन कितना टाइम में अपने यूज करा, पूरा उसका जो डेटा है दिखाने का तरीका, और सेम वही आइकन स्टाइल जो काफी ज्यादा सॉर्टेड देखने मिलता है। बाकी इसके अंदर एक स्टेल्थ मोड आता है जो कि पूरा डिसेबल कर देता है, कैमरा और बेसिकली माइक्रोफोन जो पूरे एक्सेस होते हैं ना वो सबको डिसेबल कर देगा। ये ऑप्शन बेसिकली ना इंडिया के अंदर जो फंटा चॉइस 15 है ना उसके अंदर नहीं दिया हुआ है, चाइना ने खुद के लिए मोड ऑन रखा हुआ है, बट इंडिया के लिए ये मोड पूरा हटा दिया है। मतलब ये थोड़ा सा सोचने वाला पार्ट था, अगर ये मोड दे देते तो थोड़ा सा प्राइवेसी वाला सीन थोड़ा सा बेटर हो जाता। अभी भी खराब नहीं है, मैं ऐसा नहीं कुछ उसमें प्राइवेसी का लीक ऐसा कुछ है, बट अगर ये मोड देते तो कुछ लोगों के बहुत ज्यादा काम का होता, जो ज्यादा प्राइवेसी को सीन को लेकर ज्यादा रहते हैं उनके ज्यादा काम में आता, क्योंकि एक तरीके से आपने जितनी भी परमिशन दे रखी होगी बट ये मोड परमिशन को ब्लॉक कर देता है, वापस फिर आपको ये मोड आके हटाना पड़ेगा। फिर बैटरी ऑप्शन पे अगर आप आते हो तो वहां पर भी जो दिखाने का तरीका है, जो ग्राफिक्स है, जो UI UX का डिजाइनिंग है, वो काफी अच्छा और बेटर लगता है, लाइक एकदम सिस्टमैटिक वे कह सकते हो। फिर अल्ट्रा गेम मोड है जो थोड़ा सा नया डिजाइन हुआ है, तो अगर आप इसे फंटच OS 14 से कंपेयर करते हो, जो गेम अल्ट्रा मोड आता है ना जैसे कि गेम में आप जाते हो, तो उसका देखने का तरीका और इसका दिखने का तरीका अलग है। बट अगर आप अभी फंटच OS 15 का देखते हो गेम मोड वाला सीन, वो अभी ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर हो चुका है इसकी तरह। बाकी इसमें वॉलेट एंड पेमेंट वाला ऑप्शन भी दिखता है, जहां पर आप अपने कार्ड हो गए, बिजनेस कार्ड हो गए, या बैंक कार्ड हो गए, उनको एड ऑन कर सकते हो। जैसे कि यहां से अगर आप स्वाइप करोगे तो वो पूरा स्वाइप वाला फीचर निकल कर आता है। अभी तक तो इसमें यूज नहीं करा है, बट हाँ ये फीचर आता है। बाकी इसमें जब अबाउट फोन पे जाके टैप करते हो तो इसमें जो दिखने का तरीका है ना वो अलग है अपना फंटच OS 15 से। तो देखो, मेरा डेली यूजर का एक्सपीरियंस इतना कहता है कि ये ना UI बहुत ज्यादा सटल है, अच्छा लगता है, और एनिमेशन तो लाइक ऐसे एकदम बटरी स्मूथ जाते हैं। देखो ऐसा, तो ये जो सारी चीज मैंने बताई ना, मेरा जो यूजर एक्सपीरियंस था वो भी इसके अंदर इंक्लूड था। जैसे कि मैंने ये एनिमेशन वाला पार्ट देखो, इतना ज्यादा बटरी स्मूथ हो गया। बट हाँ, अभी के लिए ओरिजिन OS 4 पे मैंने बात करी है, और ओरिजिन OS 5 आने वाला है, और इतना बोला जा रहा है कि जो ये एनिमेशन है ना और ज्यादा स्मूथ होने वाला है, इससे ज्यादा स्मूथ होने वाला है। तो मैं तो बस वेट कर रहा हूँ कि इसकी अपडेट जब आए, क्योंकि बीटा में रोल होने का चांसेस था बट मैंने मिस कर दिया। तो अभी जब ये प्रॉपर निकालेंगे अपडेट, तो मैं एक बार ट्राई करूंगा, और अगर कुछ बेटर रहा, इससे बहुत बेटर रहा, और इस वीडियो के व्यूज और लाइक्स पे डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा रिस्पॉन्स आपने दिया है, तब इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो पार्ट 2 लाने के लिए आपको इस वीडियो पे एटलीस्ट 10,000 लाइक ठोकने होंगे, ताकि मुझे पता चले हाँ आप लोगों को ये वाली चीज जो पसंद आई है ओरिजिन OS को लेकर, तो मैं वो वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। तो जैसे कि पार्ट 2 अगर चाहिए तो फटाफट ठोक देना लाइक। और ऐसा कोई OS है जिस पर आपको और बेटर चीजें जाननी है, या कोई भी ऐसा टॉपिक अगर आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट के अंदर, तो जरूर बता देना। और मेरा जो एक्सपीरियंस था ओरिजिन OS को लेकर, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने फंटच OS 15 की अभी तक स्टिल वीडियो नहीं देखी है, तो वो वीडियो यहां पर है, क्लिक करके चेकआउट कर लेना, और सब्सक्राइब कर लेना इफ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं मारा है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट और तगड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।